जौनपुर जिले के पीएचसीयों की चिकित्सा व्यवस्था चरमराई। जस सिंह अन्ना सीएचसी बरसठी के अंतर्गत पीएचसी कारोगहरपुर जो अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रहा है, वहां पे केवल 3 स्टाफ की नियुक्ति है। डॉक्टर प्रभात यादव फार्मासिस्ट, विजय प्रकाश यादव और सूर्य प्रकाश यादव चपरासी। इस अस्पताल में एक भी बूंद पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली पानी शौचालय नहीं है और महिलाओं के लिए भी कोई जगह नहीं है। अस्पताल के 4 दीवारी चारों तरफ से टूटी हुई है। अस्पताल के अंदर पूरा टूटा फूटा हो गया है, लेकिन श्रीमान सीएमओ जौनपुर एक के बाद एक बदले जा रहे हैं, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, ऐसा करके वो उस बात को टाल दे रहे हैं और ना ही कोई भाजपा नेता गोद लेने वाला अभी तक आगे कदम बढ़ा रहा है। और लकी यादव का पैतृक आवास है, इस अस्पताल के लिए अठन्नी देना नहीं चाहते लोग। विधायक जगदीश सोनकर सपा सरकार में भी अपने मंत्रिकाल में कुछ दिन ही दिए। सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं आ रही हैं, लेकिन दवा के अलावा इस अस्पताल में और कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा है और एक भी मरीज अस्पताल में दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इस अस्पताल में हजारों कमियां हैं। मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में रविवार के दिन 10 से 5 मरीजों को इसमें दवाएं दी जाती है। यही हाल जय रामपुर पीएचसी का है, जो बरसठी सीएचसी के अंतर्गत आता है। एक किराए के कमरे में चल रही है यह अस्पताल। मैं समाज सेवी जस सिंह अन्ना आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरसठी जिला जौनपुर के अंतर्गत कारो गहली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर आज जब से पारसनाथ यादव जी ने इसकी स्थापना की थी, तभी से ये मामूली ढंग से चल रहा है अस्पताल, क्योंकि इस अस्पताल की बड़ी दुर्दशा है। और यहाँ माननीय पारसनाथ यादव जी ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था अपने मंत्रिकाल में, और यहाँ पर पशु चिकित्सालय, टंकी और ये अस्पताल लेके आए थे, लेकिन आज ये अस्पताल जर्जर हो चुकी है। और यहाँ के विधायक हैं जगदीश सोनकर जी, जो कि एक पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, और यहाँ के विधायक हैं पारसनाथ यादव जी के सुपुत्र लकी यादव जी, जो मंडली से विधानसभा चुनाव जीते हैं, यही गांव में उनका आवास है, अर्थात गहली गांव में। लेकिन आज तक इस अस्पताल का समस्या का समाधान नहीं कर पाए और ना ही एक मरीज यहां पे आते हैं। यहां पे चिकित्सकों की नियुक्ति है, चिकित्सक आते हैं, लेकिन यहां पर अव्यवस्था होने के कारण लगाए गए। आपका सुनाम? विजय प्रकाश। किस पोस्ट पर है? फार्मासिस्ट। यही है विजय प्रकाश यादव, जो कि यहाँ ड्यूटी हमको देते मिले हैं। और आपका शुभ नाम सर? उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी जी मिले हुए हैं। और दूसरे स्टाफ क्या है आपके? डॉक्टर साहब का नाम क्या है? प्रभात यादव। प्रभात यादव जो आज अनुपस्थित है, किसी काम से सीएससी पर होंगे। सीएससी पर है। और तीसरा स्टाफ? उसकी तबीयत। तो नाम क्या है? सुरजीत यादव। सुरजीत यादव वो छुट्टी पे है, वो फीवर वगैरह से त्रस्त है, तो आते हैं कि नहीं आते हैं? आता। तो यही 3 स्टाफ है। वार्ड वाइज नहीं है, एक चपरासी, एक फार्मासिस्ट और एक डॉक्टर, इतने की नियुक्ति है। लेकिन क्या यहाँ कोरोना का टीका लगता है? कोरोना टीका यहाँ नहीं लगता है। सीएससी बरसठी पर लगता है। तो यहाँ पे पानी की समस्या है? पानी की समस्या। पानी एक बूंद नहीं है? शौचालय आपका चल रहा है? शौचालय। जब पानी ही नहीं है तो शौचालय कहाँ से चलेगा? पानी नहीं है तो शौचालय कहाँ से? क्या आपको चिकित्सा विभाग जौनपुर द्वारा यहाँ पे कोई सुविधा दी जाती है? अब यही दवा दी जाती है और क्या? दवा के अलावा यहाँ से मेंटेनेंस संबंधी सुविधा न देने की वजह से अस्पताल नहीं चल रही है। यहाँ क्षेत्र के आसपास के लोग भी इस अस्पताल में दवा लेने नहीं आते हैं, बल्कि बरसठी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ केवल ये स्टाफ लोग ड्यूटी देते रहते हैं। आपात स्थितियों में भूल चूक से कोई आ जाए, क्योंकि पहले तो गेट के सामने इनका गेट ही नहीं है। हाँ, इसके बाद आइए भैया, देखते हैं जरा अस्पताल को। आओ आओ सब लोग। ये देख रहे हैं अस्पताल में सब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, सब कबाड़ कूड़ा, इनका शौचालय, बाथरूम, सब इनका सब टूटा फूटा है। आ जाइए इधर। इनकी दीवारों पे मेंटेनेंस होने के बाद भी, ये दीवार देखिए जरा, देखिए ये मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस हुआ ही नहीं।
रजिस्टर में बता दिया जाएगा कि मेंटेनेंस हुआ, यहाँ पे मेंटेनेंस हुआ है, ये बालू चिपकाई गई है लेकिन यहाँ पे बालू नहीं चिपकाई गई। इस तरह से ये चिकित्सा विभाग द्वारा मेंटेनेंस किया जाता है। देखिए इधर मेंटेनेंस इनका इस तरह से फॉर्मेलिटी करके ये मेंटेनेंस छोड़ दिया जाता है। आओ बाबू जरा आइए भैया जरा, तो ये देखिए मेंटेनेंस देखिए इनका। इसी तरह चिकित्सा विभाग मेंटेनेंस कराता है। ये छत का ऊपर देखो भैया, तो